नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि धनतेरस क्यों और क्यों मनाया जाता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे धन्वंतरी कौन है। ये हैं, हाँ ये हैं, वो कलश लेकर प्रकट हुए थे, मतलब कलश लिया था उन्होंने हाथ में। शायद से इसकी वजह से हम बर्तन नए भी खरीदते हैं। हाँ, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है कि बर्तन भी खरीदते हैं हम। हाँ, बर्तन भी खरीदते हैं ना अपन धनतेरस के दिन। चलिए, धनत्रयोदशी नहीं, ये नहीं आया था ना, कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखो ये धन्वंतरी है, देखो अधिक, ये देखो ये धनतेरस व्रत होता है, उन्हें आई आप पढ़ लेना ये। लेकिन आपको तिथि समझ में नहीं आ रहा होगा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। जैन आगम में भगवान महावीर, ये वाला आपको मैं पढ़ा दूं, सुना दूं। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस, ये दोनों सेम है इसलिए धन्य तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, तभी से यह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, मतलब अमृत मैंने आपको ये पहले बताया भी था, वो एक लोटा लेके हुए थे ना बर्तन लेके, लेकिन उसमें क्या है, अमृत, हाँ अमृत है, अमृत मतलब सब भगवानों ने पिया था ताकि वो अमर हो सके। क्या हुआ, धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु, मतलब कुछ भी हो जाए, धन धन मतलब पैसे भी होते हैं, कुछ भी हो खरीदने से उन में तरह गुणा वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। प्रथा, धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो
हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी ने तो पढ़ लिया ना अपने, चुंकी कलश पर लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं हाँ बाग बगीचे बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पर लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन को संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उन्हें स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। ये दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चित विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार को के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत
यह कह रहे थे, उसी समय उनमें एक ने यम देवता यमराज देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाए? दूत से प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु को तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्ष दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धन्वंतरी देवताओं से चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता हैं, इसीलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत की गोदी में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता से के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के पुत्र को का प्राण लेते समय उसकी निववाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, पर विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ न कर सके। एक दूत ने बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। ये जो संदर्भ, इन्हें भी देखिए ना, इनको नहीं पढ़ना है, ये
अलग हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का कीना जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। हाँ, तो हम धनतेरस पे नए नए कपड़े भी खरीद सकते हैं और बर्तन भी खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। हाँ, बाय बाय।